फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूं आपको कि वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर में क्या डिफरेंस होता है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो का एंड तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि दोनों होता क्या, फिर डिफरेंस पे जाएंगे। ये आपको मैंने इस तरीके का ये चीज मैंने ये रखी है। अब आप समझना, ये दोनों चीजें एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि डायमीटर नापने के लिए या फिर लेंथ नापने के लिए, ठीक है। कहां पर, जहां मुझे बहुत ज्यादा प्रिसीजन की जरूरत पड़ती है। प्रिसीजन मीन्स ये होता है कि जैसे मुझे बहुत बारीक बारीक माइनर सी भी लेंथ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है रेडियस का। देखिए, अब जैसे ये सर्कल आपको दिख रहा है, अगर मुझे इसके बाहर की रेडियस नापनी हो तो मैं यहां पर क्या यूज करूंगा, वर्नियर कैलिपर। अगर मुझे इसके अंदर की रेडियस नापनी है तो भी मैं यूज कर सकता हूं वर्नियर कैलिपर। बट अगर मुझे माइक्रोमीटर का यूज करना है तो सिर्फ माइक्रोमीटर की हेल्प से मैं बाहर की रेडियस को मेजर कर सकता हूं। तो ये चीज आप समझ लेना कि हम क्या कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर की हेल्प से विथ दी हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर वी कैन मेजर्स इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस, ठीक है, या फिर लेंथ कह सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। यहां पर क्या होगा, माइक्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर ओनली एक्सटर्नल रेडियस, पहली चीज। दूसरी चीज हम यहां पे लिख सकते हैं, आपने चीज सुनी होगी या फिर नहीं सुनी होगी, बताता हूं। वर्नियर कैलिपर जो होता है वो 0.1 mm की एक्यूरेसी के लिए होता है और माइक्रोमीटर जो है वो 0.01 mm की एक्यूरेसी के लिए होता है। मतलब देखना, जैसे मेरी ये स्केल है, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं यहां पर क्या चीज लगा रहा हूं, वर्नियर कैलिपर लगा रहा हूं, तो वर्नियर कैलिपर जब मैं लगाऊंगा इसकी रेडियस नापने के लिए, तो सपोज हो सकता है कि देखो ये मुझे बता दे कि 2.1 mm है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके बीच में भी एक एक्यूरेसी रह जाती है। सपोज हमारी वर्नियर स्केल ने तो 2.1 बता दिया, बट एक्चुअली में हो सकता है कि 2.1 इसके आगे 3 हो, 2.1 4 हो, तो ये वाली चीज को हमारा वर्नियर कैलिपर मेजर नहीं कर पाता है। बट ऐसी बहुत सारी जगह जिसमें हमें बहुत माइनर एक्यूरेसीज रखनी पड़ती है, उस चीज के लिए माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं कि द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 mm, ठीक है। यहां पर क्या होगा, लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर इज 0.01 mm, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज ये है कि इट इज लेस एक्यूरेट, ठीक है। सिंपल सी चीज है, जिसकी ज्यादा प्रिसीजन होगी वो उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। इट इज हाईली एक्यूरेट, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक चीज आपको पता हो नहीं हो, आपको पता है ना कि वर्नियर जो है, वर्नियर कैलिपर इस तरीके से होता है और इसके ऊपर एक स्केल लगी होती है, तो यहां पर हम उसको इधर उधर स्केल को स्लाइड करते हैं तो वो क्या करती है कि मेजर करती। बट जो हमारा माइक्रोमीटर होता है उसमें क्या होता है कि इस तरीके से एक होल, ये देखिए ऐसा रहता है माइक्रोमीटर और इस तरीके से लगा होता है। जैसे जैसे आप उसको क्या करते हैं, टाइट करते जाते हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू लेंथ को मेजर करता जाता है। तो यहां पर क्या होता है कि स्लाइडिंग स्केल यूज होती है, स्लाइडिंग स्केल इज यूज्ड इन वर्नियर कैलिपर। और यहां पर यूज होती है रोटेटिंग स्केल इज यूज्ड इन माइक्रोमीटर। चलिए इतनी चीज हुई, इसके आगे का हम एक डिफरेंस और देखते हैं। फिफ्थ डिफरेंस ये है कि वर्नियर कैलिपर जो है ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में,
ठीक है, और ये किस में यूज होती है? इट इज, माइक्रोमीटर इज यूज्ड इन नेटवर्किंग इंडस्ट्री। नेटवर्किंग इंडस्ट्री मींस जैसे कि आप लोगों के मोबाइल की चिप्स वगैरह हुई, ठीक है, जैसे कि आपके मोबाइल के कैमरा पार्ट्स हुए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे रहते हैं तो वहां पर हमें प्रिसीजन बहुत ज्यादा रखना पड़ता है, इसलिए ये चीजें वहां पर यूज होती है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी इस तरीके से। अगर और ऐसी डिफेंस की वीडियो चाहते हैं आप किसी भी सब्जेक्ट पे, कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।